हेलो मेरे दोस्तों, अक्सर हम मिडिल क्लास जब घर खरीदने जाते हैं तब हमारे मन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम कितने अमाउंट का घर अफोर्ड कर सकते हैं, हमें लोन कितने अमाउंट की लेनी चाहिए, हमारे होम लोन की ईएमआई कितनी होनी चाहिए और हमारे होम लोन का टेन्योर कितना होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर होम लोन एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन होता है, इसका टेन्योर भी बहुत ज्यादा होता है एंड ट्रस्ट मी, एक गलत डिसीजन आपको फाइनेंशियली 10 से 15 साल पीछे धकेल सकता है। एक गलत होम लोन का अमाउंट आपके करियर पे काफी बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। सो ठीक वैसे ही हमारे एक कपल क्लाइंट अक्षय और सुनीता, उन्हें भी होम लोन लेना है लेकिन वो इस कंफ्यूजन में है कि उन्हें होम लोन कितने अमाउंट का लेना चाहिए उनकी टोटल हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से। तो चलिए आज मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस के साथ समझाऊंगा कि जब आप होम लोन लेते हो और जब आप घर खरीदने का इतना बड़ा डिसीजन या अपना मन बना लेते हो तो आपको कैसे कैलकुलेशंस करने चाहिए। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी कंडीशंस शेयर करूंगा, अगर उन कंडीशंस को या आप कह सकते हो थंब रूल्स को आप फॉलो कर लेते हो तो 99% चांसेस है कि आपका घर खरीदने का डिसीजन या बजट गलत नहीं होगा। सो व्हाट आर दोस कंडीशंस, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। सबसे पहला, जब आप घर खरीद रहे हो तो आप उस घर में रहने वाले हो, और रहने वाले हो का मतलब ये नहीं कि आप 2-3 साल बाद उस घर को बेच दोगे, नहीं, आप उस घर में कम से कम 12 से 15 बरस रहोगे तब ही आपको अपना खुद का घर खरीदने का सोचना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जब आप घर खरीदने का सोचते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 25% आपने एज अ डाउन पेमेंट अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। कंडीशन नंबर 3, आपके पास 10% प्रॉपर्टी वैल्यू का 10% साइड पे रखा हुआ है डाउन पेमेंट के अलावा। डाउन पेमेंट तो 25% अलग है, उसके अलावा 10% और अमाउंट आपने साइड पे रखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। हमको इंटीरियर करवाना होता है, हमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है, हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, कई बार कोई ब्रोकर हमें घर दिखाता है तो हमें उन्हें ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। तो ये 10% अगर आपने अलग से रखा होगा तो ये जो ऐसे अलग एक्सपेंसेस है जिनके बारे में आपने ज्यादा सोचा नहीं था, वो करते समय भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कंडीशन नंबर 4, आपकी ईएमआई आपके टोटल इनकम के 40% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। वैसे मैं तो 35% तक ही रेकमेंड करता हूं, लेकिन आप 40% तक इसे स्ट्रेच कर सकते हो। कंडीशन इज कि 40% आपके सारे लोन्स की ईएमआई है, यानी अगर आपका कार लोन चल रहा है, आपका पर्सनल लोन चल रहा है, सारी लोन्स की ईएमआई मिला के 40% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। कंडीशन नंबर 5, आपके पास आपका 6 महीनों का खर्चा एज एन इमरजेंसी फंड साइड पे रखा हुआ है, ये 25% डाउन पेमेंट और 10% जो एक्स्ट्रा मनी था उसके अलावा है। अब इमरजेंसी फंड में आपको क्या ऐड करना है, अगर आप होम लोन लेते हो तो आपका ईएमआई जो आने वाला है वो 6 महीने का, और आपका जो घर का खर्चा है वो सारा कुछ ऐड कीजिए और 6 महीने का अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड वगैरह में इकट्ठा करके रखिए। भगवान ना करे अगर जॉब चला गया या लोन लेने के बाद कोई और छोटी मोटी इमरजेंसी आ गई तो आप ईएमआई और घर कैसे चलाओगे। एंड द लास्ट कंडीशन इज, कोशिश कीजिए कि आपके एनुअल इन हैंड इनकम का 5 से 6 गुना के ऊपर आप घर नहीं खरीद रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान साल के 12 लाख रुपए कमाता है तो उसके घर की वैल्यू अगर 60 लाख के ऊपर ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चांसेस है कि वो उस घर की ईएमआई इजीली अफोर्ड कर पाएगा। डोंट वरी, मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपके घर का बजट
आपकी इनकम के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स या 6 कंडीशंस तो आपको फॉलो करनी ही है। सो लेट अस नाउ लुक एट सम कैलकुलेशंस। जब आप घर खरीदने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो बजट बनाइए, रैंडमली चीजों को मत कीजिए। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट कि आप एक बेसिक बजट कैसे बना सकते हो। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे अक्षय और सुनीता, अक्षय की एज है 30 ईयर्स, वो अराउंड 75,000 रुपीज अर्न करता है, सुनीता अराउंड 25,000 रुपीज अर्न करती है और उनके पास कुछ सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में पैसे पड़े हुए जिनका उन्हें जो है 1,000 रुपीज के आसपास का मंथली इंटरेस्ट आता है। यानी टोटल उनकी मंथली इनफ्लो ऑफ इनकम है अराउंड 1,01,000 रुपीज। अब उनका एक छोटा बच्चा है 6-7 साल का, तो वो हर महीने स्कूल फी, बस फी, स्विमिंग क्लासेस, ये सब मिला के बच्चे के पीछे 10,000 रुपीज के आसपास स्पेंड करते हैं। यानी ये उनकी इनकम का अप्रोक्सीमेटली 10% हुआ। उसके बाद वो 25,000 रुपीज घर के खर्चे पे स्पेंड करते हैं, जैसे ग्रोसरी, लाइट बिल, खाना पीना वगैरह, विच इज 25% ऑफ देयर इनकम। उनकी एक ईएमआई चल रही है पर्सनल लोन की जो 5% है और इसकी ईएमआई जो अमाउंट है वो है अराउंड 5,000 रुपीज, और वो महीने का 5,000 रुपए मिसलेनियस एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे बाहर खाना खाने जाना या मूवी देखने जाना वगैरह वगैरह। अब टोटल जो उनका एक्सपेंस है वो है 45% ऑफ देयर इनकम, विच इज अराउंड 45,000 रुपीज, और उनके हाथ में अप्रोक्सीमेटली 56,000 रुपीज या उनकी इनकम का 55% उनके हाथ में बचता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके हाथ में 55,000 रुपीज सेव होते हैं तो वो पूरे के पूरे अमाउंट को EMI में डाल देंगे, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, उन्हें वेकेशंस करनी है, उन्हें अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, तो उनका सिर्फ एक ही गोल नहीं है कि उन्हें घर खरीदना है और घर की EMI पे करनी है, बाकी गोल्स को भी तो देखना है, राइट? तो एज पर देयर इनकम वो 35,000 to 40,000 रुपीज के ऊपर की EMI अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बाकी का जो 20-25,000 रुपीज जो उनके हाथ में बचेगा उनसे उन्हें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा, अपना टर्म प्लान लेना होगा, अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेना होगा, और सबसे जरूरी अपने रिटायरमेंट और बच्चे की हायर एजुकेशन की प्लानिंग भी करनी होगी। तो ये तो हमने बजट समझ लिया, चलिए अब हम कुछ रिवर्स कैलकुलेशंस करते हैं अगले स्क्रीनशॉट की मदद से। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अक्षय की एज है 30 इयर्स, वो 55 की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता है, विच मींस कि वो 25 इयर्स और काम करना पसंद करेगा। अब उनकी जो टोटल हाउस होल्ड इनकम है वो है अराउंड 1,00,000 रुपीज, यानी वो टोटल जो है 35,000 to 40,000 रुपीज तक का EMI अफोर्ड कर सकते हैं, विच मींस कि 40,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज तो उनकी ऑलरेडी एक पर्सनल लोन की EMI चल रही है, यानी अब उनका बजट बचेगा सिर्फ 35,000 रुपीज का। अब यहाँ पे आइडियली अगर अक्षय चाहे तो 25 इयर्स तक का लोन ले सकता है, विच मींस कि अब हमें यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। लेट्स लुक एट दिस। अगर अक्षय को EMI 35,000 रुपीज ही रखनी है और अगर वो 25 इयर्स का लोन लेता है और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट 9% है तो वो 41,70,000 रुपीज के ऊपर की लोन नहीं लेगा। अब उसके पास जो 25% है वो भी होना चाहिए, यानी 10,42,000 रुपीज का डाउन पेमेंट होना चाहिए और 5,21,000 रुपीज उसके अलावा और भी उसके पास होने चाहिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस के। यानी टोटल अक्षय जो प्रॉपर्टी वैल्यू अफोर्ड कर सकता है वो है 52,13,000 रुपीज और उसके पास 15,63,000 रुपीज इकट्ठा होने चाहिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस और डाउन पेमेंट के लिए। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो 35,000 रुपीज की EMI, 45,000 रुपीज का उनका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है घर चलाने का, बच्चे की एजुकेशन का, यानी टोटल 80,000 into 6 months 4,80,000 रुपीज का अक्षय के पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। तो ये हुआ अगर अक्षय 25 इयर्स का लोन लेना चाहता है तो। अब अक्षय ये नहीं चाहता कि वो 55 तक EMI भरता रहे, तो अब अगर उसे 20 इयर्स का लोन लेना है सेम 9% पे और अगर उसे अपनी EMI सेम 35,000 रुपीज ही रखनी है तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू 48,62,000 रुपीज के ऊपर नहीं देखेगा और उसके लोन वैल्यू 38,90,000 के ऊपर की नहीं होनी चाहिए और उसके पास करीब करीब 14.5 लाख रुपीस होने चाहिए डाउन पेमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के। उसके अलावा उसके पास करीब करीब 4,80,000 रुपीस
होने चाहिए इमरजेंसी फंड के। तो इस तरीके से आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है और समझना है कि आप कितने अमाउंट का लोन अफोर्ड कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होम लोन लेते समय लोग करते हैं या घर खरीदते समय लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं। मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स ने अब तक अपना घर खरीद लिया है, मेरे सारे ऑफिस कलीग्स के पास उनका खुद का घर है, विच मींस अगर मैं रेंट पे रह रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा लूजर हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आइए। हर टी शर्ट सेम इंसान को फिट नहीं होती, हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर इंसान की सैलरी अलग होती है, हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके दोस्तों ने अगर घर खरीद लिया है तो आप ये मत सोचो कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप लूजर हो। नहीं, रेंट पे रहना बुरी बात नहीं है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि रेंट इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के कंपैरिजन में सस्ता ही पड़ता है। तो घर तभी ही खरीदिए जब आप वो पिछली 6 कंडीशंस को 100% मीट करते हो। मिस्टेक नंबर 2, जरूरत से ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना। एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे के लिए शायद 1 बेडरूम इनफ हो सकता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमारा बच्चा बड़ा होगा, उसे एक अलग से रूम चाहिए होगा, या हम सेकेंड बेबी फ्यूचर में प्लान करेंगे, अब हमारी इनकम तो बढ़ने ही वाली है, तो हम एक काम करते हैं, 1 बेडरूम की जगह पे थोड़ा सा अपने बजट को स्ट्रेच कर लेते हैं और 2 बेडरूम खरीद लेते हैं। ये गलती मत कीजिए। आप ये सोचिए कि EMI आपके बजट में है या नहीं। आप सोचिए, जो होम लोन होता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़े लंबे समय का लोन होता है, 15 साल 20 साल। अब अगर आप 1-2 महीने अगर अपने फैमिली वालों से कहोगे ना कि हमें वेकेशन के लिए नहीं जाना है, या हमें डिनर के लिए नहीं जाना है, या हमें मूवी के लिए नहीं जाना है, क्योंकि हमें होम लोन की EMI भरनी है, वो शायद आपकी बात समझेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल 5 साल तक कहोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपकी फैमिली भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी। तो जरूरत से ज्यादा बड़ा घर मत खरीदिए। जितना घर आप यूज करने वाले हो फिलहाल उतना ही खरीदिए। फ्यूचर में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तब का तब देखा जाएगा। 10 साल 8 साल के बाद आप अपना घर बेच के अपनी उस समय की सैलरी के हिसाब से, उस समय के बजट के हिसाब से आप बड़ा घर खरीदने का तभी भी सोच सकते हो। फिलहाल बजट में रहकर घर खरीदिए, अपनी लाइफ को जो है स्ट्रेसफुल अननेसेसरी लोन के दबाव में आके वेस्ट मत कीजिए। एक आखिरी पॉइंट, अगर आप घर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो घर खरीदना अवॉइड कीजिए। और सबसे जरूरी, जब कभी भी आप घर खरीदते हो और अगर बैंक का एम्प्लॉय आपको फोर्स करता है कि घर के साथ आपको हाउसिंग इंश्योरेंस खरीदना है, तो वो जरूरी नहीं होता है। आप अपने टर्म प्लान की कॉपी, आपका टर्म प्लान होना चाहिए, आप अपने टर्म प्लान की कॉपी उन्हें सबमिट कर सकते हो। अगर वो आपको कहते हैं कि RBI का रूल है कि अगर आप हमसे अगर इंश्योरेंस नहीं खरीदोगे तो हम आपका लोन अप्रूव नहीं करेंगे, तो वो मिस सेलिंग हो रहा है, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। सो अब तक अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम हर संडे और वेनेसडे एक फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने वाला वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपनी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, कितने पैसे आपको चाहिए होंगे फ्यूचर में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, थैंक यू सो मच। कमेंट में मुझे बताइए वॉच्ड टिल एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you for investing your time on this video.